मेरी गाने से मुलाकात प्रीतम दा ने करवाई और उन्होंने बोला कि ये एक सैड सॉन्ग है और उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स में बोला कि अपना दिल निकाल के रख देना गाने में, इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग और पेन चाहिए गाने में। दो भाई बिछड़ गए और सलमान भाई का सलमान भाई इस गाने में रोएंगे और इस गाने में उनको अपने भाई की बहुत याद आएगी, तो ये वो गाना है जब जो ऑडियंस को रुलाता है गाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है फिल्म का और ये ब्रीफ मुझे दिया गया था। तो उसके बाद हमने डब करा और गाना एक कदम और आगे बढ़ा, फिर उसके बाद फिर डब करा गाना एक गाना, फिर उसके बाद आप सुन रहे हैं गाना। गाने की डबिंग इतनी खास गई, इतनी अच्छी गई कि वी वर ब्लोन अवे। आई मीन सलमान साहब ने, कबीर खान साहब ने डिसाइड करा कि ऑल दो रिलीज़ राहत साहब का हो गया था वर्जन, पर फिल्म में हम लोग जुबिन की आवाज़ डालेंगे क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा अच्छा आया उसमें गाने में, डबिंग काफ़ी अच्छी रही और कबीर साहब को सूट करी वो डबिंग। सो दैट्स हाउ द सॉन्ग हैपेंड, हाउ लकी आई एम, दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं बहुत लकी हूँ सलमान साहब के साथ काम करना, हर म्यूजिशियन का, हर इंडस्ट्री के इंसान का, हर इंसान जो बॉलीवुड में काम करना चाहता है या हर इंसान जो काम करना चाहता है, हर इंसान का सपना होता है सलमान खान के साथ काम करने का, मेरा मानना है। और उनके साथ दो प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ मैं और उनके ख़ास जो प्रोजेक्ट जो ईद पर आते हैं दोनों, वो प्रोजेक्ट रहे हैं। सो मुझे लगता है भोलेनाथ ने अपनी कृपा काफ़ी अच्छी रखी मुझ पर और ऐसे मौके मेरे सामने बार बार ला के दे रहा है जिसमें मैं मेहनत कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। मैं जब न्यू कमर की तरह आया था यहाँ पर तो यू नो, एज़ ए न्यू कमर ऐसा होता नहीं है कि आपका पहला गाना अक्षय कुमार की पिक्चर में लग जाए, यू नो आप पहले छोटी पिक्चर में गाना गाते हैं। पर मैं लकी रहा बहुत ज़्यादा, मेरा पहला गाना शौकीन्स में चला गया। मैं लकी रहा काफ़ी, मेरा पहला गाना शौकीन्स में चला गया, मेहरबानी उस गाने का नाम था। और उस गाना रिलीज़ होने से पहले इंडस्ट्री में सब लोग सुन लेते हैं, उसी तरह गाने की बहुत चर्चा होने लगी, आवाज़ की बहुत चर्चा होने लगी। और फिर मुझको मेरा पहला गाना जो रिलीज़ पर था, यानी कि एक मुलाकात, वो मिला। लेकिन मैं मेहरबानी को अपना पहला गाना मानता हूँ और ऑल थैंक्स टू अक्षय कुमार फॉर यूजिंग माई वॉइस, आई थिंक माई वॉइस रियली सूट्स हिम टू। स्क्रैचेस एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने लगी है मेरे ख्याल इंडस्ट्री में, कि स्क्रैचेस बनने लगे हैं क्योंकि स्क्रैचेस के वजह से नए म्यूज़िक को चांस मिलता है, नए लोगों को चांस मिलता है, ऐसे ऐसे लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, म्यूज़िक बनाने का मौका मिल रहा है और टैलेंट को स्पेस मिलने लगी है बेसिकली स्क्रैचेस की वजह से। तो अभी स्क्रैचेस गाते हैं सिंगर्स एंड तिनका में भी मैंने शायद एक स्क्रैच गाया था, बट ऑनेस्टली ज़िंदगी में मुझे बुलाया था एक स्क्रैच की तरह। तिनका में प्रीतम दा ने मुझे सिर्फ ट्राई करने के लिए बुलाया था, बिकॉज उनको लगा कि शायद जुबिन की आवाज़ इसमें और पैथोस और सैडनेस और एंग्स्ट लेके आ सकती है। और जैसा प्रीतम दा ने सोचा वैसा ही हुआ, हमने जब डब करा तो मैं ख़ुद भी सरप्राइज हो गया कि मैं कितना अच्छा साउंड कर रहा हूँ इस गाने पर एंड ये कितना टेलर मेड सॉन्ग है मेरी वॉइस के लिए। सो तिनका शायद स्क्रैच नहीं था, वो मैंने गाया और फर्स्ट डबिंग ही पसंद आई सबको, फिर हमने उसका अंतर और कुछ करेक्शंस करे, उसका गाना रिलीज़ हो गया। प्रीतम दा इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, प्रीतम दा इज़ लाइक अ मेंटोर टू मी, प्रीतम दा इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन टू मी। मैं प्रीतम दा का बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ हमेशा से। तो जिनका नाम आपने इतना बचपन से सुनते आए हैं, उनके साथ जब आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप सीखते बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है प्रीतम दा के यहाँ जो मैंने डबिंग करी हैं, तमाम जो मैंने गाने गाए हैं, उनसे मुझे सीखने को बहुत मिला बॉलीवुड म्यूज़िक के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को बहुत मिला। सो या आई थिंक प्रीतम दा हैज़ बीन दैट पिलर इन माय करियर, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सिखाया और हमेशा मोटिवेट करा टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आजकल बॉलीवुड मुझे रिक्रिएशंस के लिए बहुत बुलाता है, 5-6 रिक्रिएशंस मैं कर चुका हूँ, हम्मा हम्मा, किसी से प्यार हो जाए, गुमनाम है कोई, और भी शायद कुछ रिक्रिएशंस रिलीज़ होंगी जल्दी। तो
रिक्रिएशन नहीं बोलता मैं उसको, मतलब यू नो एक फ़ैन हूँ मैं इन गानों का, जो मैं अपनी रिक्रिएशंस चूज़ करता हूँ मैं उन गानों का फ़ैन हूँ, मैं एक जेन्युइनली उन गानों को बहुत पसंद करता हूँ, उन गानों को हमेशा से सुनता आया हूँ। तो जब उन गानों को आपको वापस गाने का मौका मिलता है, अपने तरह से उन गानों को कहने का मौका मिलता है, तो वो मौका मुझे बहुत ही गोल्डन लगता है। तो अगर मुझे कोई गाना पसंद होता है तो मैं उसको गा देता हूँ और कह देता हूँ। फॉर इंस्टेंस हम्मा सॉन्ग रेमो सर ने बहुत अलग तरह से गाया, उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ गाया। मैं चाहता मैं भी उस तरह से गा सकता था, लेकिन मैं बचपन से उस गाने का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, रहमान साहब का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं चाहता था मैं उस गाने को कुछ अलग अंदाज से बोलूँ, कुछ अलग करने की कोशिश करूँ। बट दैट इज़ जस्ट लाइक अ फ़ैन एफर्ट टू द ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन दैट वी हैव लव्ड ऑल आवर लाइव्स। मैं मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल लेवल में मैं शूटिंग कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी हद तक अपने फैमिली में बिजनेस को भी देखा है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी बैकबोन रही है जो हमेशा से साथ चलती रही है। मैं ये सब चीज़ें भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, और म्यूज़िक हमेशा साथ में। सो जो चीज़ करने में खुशी मिलती है, जो चीज़ करने में सुकून मिलता है, जो चीज़ करके रात को नींद अच्छी आती है, मुझे लगता है वही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। इसलिए मैंने संगीत को लिया। और यहाँ पर जब मैं आया था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस लाइन में कितना आगे तक जाऊँगा और कितना बेटर करूँगा लाइन में, कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं अपने आप को 2 साल लेकर के आया था कि 2 साल तक फुल मेहनत करूँगा, और अगर बॉलीवुड में म्यूज़िक हो पाया तो हो पाया, अदरवाइज़ म्यूज़िक करता रहूँगा। अगर इतना फेमस नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, इतने सारे गाने नहीं गाए होते बॉलीवुड में, फिर भी मैं म्यूज़िक कर रहा होता, कहीं ना कहीं बैठ करके गिटार बजा रहा होता। सो यस, म्यूज़िक इज़ अ प्रोफेशन, बट बिफोर प्रोफेशन इट्स पैशन फॉर मी, इट इज़ समथिंग दैट आई विल डू नो मैटर वॉट। शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, और आमिर सर की जो परफेक्शनिस्ट जो उनका नेचर है, जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से जो उनकी आइडियोलॉजीज़ है, मैं वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ उन पर। और क्या पता जल्दी आप सुनो, क्या पता अगली पिक्चर में ही सुनो। ऑनेस्टली जब भी कोई बॉलीवुड में गाना रिलीज़ होता है और मुझे कोई गाना पसंद आता है, तो मैं डेफिनेटली उस गाने को गा ही लेता हूँ, अपने आप में गा लेता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि क्यों और किस तरह से गाना जा रहा है, यू नो यू हैव टू बी अ जेन्युइन फैन ऑफ म्यूज़िक टू अंडरस्टैंड इट। एंड मुझको लगता है जो बॉलीवुड में गाने रिलीज़ हो रहे हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स गाने रिलीज़ कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स गाने चूज़ कर रहे हैं, वॉइस चूज़ कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो अच्छा क्रिएट कर रहे हैं आई थिंक, जो अपने हिसाब से अपने विजन के हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गाना को सुन के मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे जाके गाना चाहिए था, ये गाना ये मेरा गाना था, ऐसा नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर कोई गाना मुझे पसंद आता है तो अपने शोज़ में जाकर के गिटार उठा के मैं गा देता हूँ गाने। एज अ म्यूजिशियन फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और एज अ म्यूजिशियन ऑनेस्टली योगा बहुत ज़रूरी होता है। योगा ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग से आपका सिंगिंग का पूरा रिलेटेड है। जितनी अच्छी सांस आप भर पाएंगे, जितनी अच्छी आपकी लंग कैपेसिटी होगी, उतने अच्छे आप हाई नोट्स होल्ड कर पाएंगे। सो डेफिनेटली मैं खुद भी योगा में बिलीव करता हूँ, योगा करता हूँ। और म्यूज़िक डे तो आज एक सेलिब्रेशन है, मेरा जन्मदिन था 14 जून को, जेमिनाई, तो मैं बोलता हूँ म्यूज़िक जेमिनाई है, तो मेरा अपना ही रिलेशन है उनके साथ, मेरे बर्थडे मंथ में पड़ता है म्यूज़िक डे। सो मैं म्यूज़िक डे कल से बनाता आ रहा हूँ। मैं कल क्विंट के ऑफिस में जाके मैंने 1.5 घंटा म्यूज़िक डे बनाया, फिर रेडियो मिर्ची जाके मैंने म्यूज़िक डे बनाया, अभी आप लोगों के साथ म्यूज़िक डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो सही है, म्यूज़िक डे अपने जन्मदिन से ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ मैं म्यूज़िक डे ऑनेस्टली। एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो शूट करी है हमने, तेरी मंजिलें हों गाने का नाम है, ट्रिनिडैड जाकर के शूट करी थी, और मैरकस बीच है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत बीच है, वहाँ पर हमने शूट करी है म्यूज़िक वीडियो। तिनका दिल मेरा तेरी लौ में जलता है, जाए तू चाहे कहीं मेरे दिल में ढलता है। थैंक यू सो मच।